अपना उत्तर प्रदेश की खबर पर मुहर तय, शिवपाल का बीजेपी में जाना तय, दो संकेतों ने किया इशारा, शिवपाल करेंगे अखिलेश से किनारा। गुरुवार यानी 31 मार्च को रात 9:40 पर अपना उत्तर प्रदेश ने आपको एक ऐसी खबर दी थी जिस पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा था। लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज हमारी खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी खबर बिल्कुल सही रास्ते पर है और शिवपाल के बीजेपी में जाने के दो संकेत मिल गए। दरअसल शिवपाल ने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर और कूप पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। शिवपाल कूपर मोदी और योगी को करने लगे फॉलो। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कूपर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। प्रसपा चीफ के इस प्लेटफॉर्म पर 1,79,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं वो खुद 6 लोगों को फॉलो करते हैं। इसके अलावा प्रसपा चीफ ट्विटर पर पहले केवल पीएमओ और सीएमओ को ही फॉलो करते थे। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो करने के साथ उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। वैसे इस मामले पर भाजपा और शिवपाल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शिवपाल सिंह यादव कूप पर सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करते हैं। अखिलेश यादव के चाचा के इस कदम ने सूबे की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। वैसे कुछ ही दिन पहले खुद प्रसपा चीफ ने भी बड़े बदलाव की बात कही थी। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह यूपी चुनाव के बाद सपा की बैठक में बुलावा नहीं मिलना बताया जा रहा है। वैसे बैठक में नहीं बुलाए जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं 2 दिनों तक इंतजार करता रहा और मैंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, लेकिन मुझे कोई फोन नहीं आया। मुझे विधायक दल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया जबकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनको गठबंधन के दलों की बैठक में बुलाया गया। जिस बैठक में वो ना आने की बात कह रहे हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी। शिवपाल सिंह यादव सपा की इस बात से पूरी तरह नाराज हो गए हैं और दिल्ली चले गए। दिल्ली में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के बाद वो अगले दिन लखनऊ पहुंचे और फिर समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ शपथ लेने के बजाय अगले दिन विधानसभा में अकेले शपथ ली। इसके बाद शिवपाल ने उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव को भाजपा राज्यसभा में रिक्त हुई 3 सीटों में से 1 सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा वो इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव के इस्तीफे से खाली होने वाली विधानसभा सीट पर उनके बेटे आदित्य यादव को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।